नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और इसी चुनावी माहौल के बीच में एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा निकल कर के आ रहा है कि यहां पर हमने देखा था कि भाजपा वर्सेज आम आदमी पार्टी की लड़ाई 3 महीने पहले दिखाई दे रही थी। जब 2 महीने का अंतराल बचा तो भी यही लड़ाई देखने को मिल रही थी। आज जब कुछ समय का 10 से 15 दिन का समय बचा है तो इस दौरान भी उन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी का इस सिक्का नहीं चमक रहा था। माना जा रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी के सिक्के पर जो है आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने इसी सिक्के को चमकाने के लिए आगे की खेला करने में जुटी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को साइडलाइन करके, भाजपाइयों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को साइडलाइन करके अपनी हार को सुनिश्चित कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस एक के बाद एक अपग्रेड होता जा रहा है, नंबर संख्या सब कुछ अपग्रेड हो रहा है उनका। इस बात से इस चीज़ की हमें उस तरफ जो है इशारा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरफ से सब कुछ जो है सभी अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस जो है वो वहाँ पर जीत दर्ज ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज कांग्रेस के, अगर मैं सिक्के की बात करूँ तो गुजरात में कांग्रेस का सिक्का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के इसी सिक्के को देखते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि कांग्रेस को जो साइडलाइन किया गया था दोनों पार्टियों की तरफ से, अब वही कांग्रेस जो है उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने अपना सिक्का चमका लिया। तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा इस बार गुजरात की जनता किसको पसंद करने वाली है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।